मतीरा बताए, इफ यू डोंट माइंड, आप सिंगल हैं? नहीं सही गल है, वो सही पूछ रहे हैं। अगर तुम सिंगल हो तो इन दसो, ये हैकिंग करके तो रिश्ते भी करवाउंदा बेचारा। मैरिज ब्यूरो भी है। हाँ, मैरिज ब्यूरो। इस साल माशाल्लाह बहुत सी फिल्म्स आ रही हैं। हाँ। बहुत फिल्म रिलीज हुई है, बहुत जबरदस्त साल रहा है, तो हम कोई तवक्कु करते हैं कि आप बहुत जल्द किसी फिल्म में हमें नजर आए? यार मैंने फिल्मों को आई डिड गेट वन टू, लेकिन मैंने ही काम करे क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। okay. तो मैंने बोला भाई दूर ही रहो। दूर रहो, दुरुस्त रहो। बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं, इनके फेक अकाउंट्स बना के लोग बहुत कुछ उनके नाम से चला देते हैं। अरे कभी आपके साथ अभी कैसा हुआ कि कोई फेक ट्विटर ने कुछ कह दिया और वो मतीरा ना कहा ना हो? अरे यार मैं एक बात हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मेरा कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है, खुदा के वास्ते। में इजी कैश वो क्या होता है, इजी पैसा जैस कैश नहीं मांगती। खुदा के वास्ते। अच्छा मतीरा एक बात बताइए जी, फर्ज करते हैं अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, अरे लेकिन हो जाता है, ऐसे सवाल है कि आपको कोई भत्ते की पर्ची आती है तो आप उसको क्या जवाब देंगी? मैं वो पर्ची आगे दे दूंगी, ऊपर से आ गया मेरे को। घोड़ा घोड़ी हर जगह शुरू हो जाता है, किस तरीके से बैठे हुए हो? चेक तो करो मतीरा जी, ताड़ी हेल्प ली आया, किसी की जरूरत है कि मतीरा जी नू कॉल करे या को पर्ची दे? किसी की जरूरत है? सही गल है, किसी की जरूरत है? ओदे प्यो दे हमेशा कोई उन्हें पर्ची भेजे। खुश हो गई। भत्ते की जो पर्चियां हैं, इसके पीछे सर असल कहानी क्या होती है? सुना है बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी बड़े बड़े इदारों को कहते हैं कि ये पर्ची पकड़ो और इतने पैसे दे दो। ये तो है, ये बाकी है सर। हाँ, पूरे का पूरा रैंसम का सिस्टम। यार तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी जाकर पर्चियां बांटते हैं। ये क्या बात? मतीरा किसी को पर्ची भेजे, आपको क्या लगता है कि आगे से पैसे मिल जाएंगे? अगले ने कहना पर्ची दे पैसे लैदा तानू घर लैदा ना कराउंदा। एक बारी तुसी हां भी ते करो, मेनू लुट्टो एक बारी, लुट्टो मेनू। उन्हें साइन करके ना सिर्फ इन्हां नू चेक भेजना, अपनी मर्जी ते पैसे भर के ते दस दियो। सर ये यूरोप वगैरह में पर्चियां चलती हैं? 1911 में लंदन शहर था, ये दो बड़े डाकुओं के दरमियान, जब पत्ताखोरों के दरमियान डिवाइड हो गया था, आधा एक कत और आधा एक कत, 1911 में, 1911, और वो बादशाह से भी भत्ता वसूल करते थे मुस्तकिल। बाकी हाँ, फिर उन्होंने एक काम किया था, क्योंकि उनके पीछे ना सारे के सारे जो पार्लियामेंट के रुकन थे, उन्होंने कहा था एक महीने के लिए तमाम सियासतदान लंदन से भाग जाओ, हम इनको ठीक कर लेंगे, और एक महीने में उन्होंने ठीक कर लिया। तो सर इसको जरा उलट कर लें, अगर बादशाह जो है वो खुद आवाम से भत्ते ले रहा हो, फिर क्या करें? ये तो वो इकबाल कहता है ना कि असल में दोनों गधा हैं, सदका मांगे या खराज। इससे आगे खामोशी है, इससे आगे ब्रेक बनता है, इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक, वक्त हुआ है तंज़ और मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय, दिमाग की बत्ती जलाओ ते मैं अपने सियासतदानां नूं, गवर्नमेंट वालेयां नूं, सारेयां नूं, डॉक्टरां नूं भी कहांगा जी जी, कि सलाब दी वजह तो जिहड़े अजकल लोग बीमार पए ने, हां जी, तो उन्हां वास्ते पैसे इकट्ठे करन ताकि उन्हां दे बच्चे बीमारियां तो बचण। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि तीन चार चीजें जो है ना वो बिजनेस से निकाल देनी चाहिए। तालीम पे बिजनेस नहीं होना चाहिए, सेहत पर बिजनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5-star हॉस्पिटल भी खुल चुके हैं, जहाँ पे 5-star डॉक्टर्स हैं, और वो अपनी मर्जी से अपनी फीस जो है वो बढ़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पैसे मांगता है तो अगले से पूछना चाहिए कि भाई आपने किस चीज को देख के अपने पैसे इतने बढ़ा दिए। ये इसलिए होता है कि हम सबके दिमाग की बत्ती बंद है, तो प्लीज अपने अपने दिमागों की बत्तियों को रोशन कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। देखना यह है कि आज के सुपर चूपर जो हमारे मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। इस बंदे के दिमाग की बत्ती तो इस कदर रोशन है कि इस रोशनी से हम जैसों को भी रोशनी मिलती है। सर जी एक सवाल, चार आपको ऑप्शन दूंगा, किसी एक की आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक, आपको क्या लगता है कि गुज़श्ता अगर मैं 75 इयर्स पे फोकस हम करें तो इनमें से बेस्ट कॉलम आप किसको डिक्लेयर करेंगे? मैं आपको चार कॉलम्स के टाइटल बताता हूँ। सवेरे सवेरे, ऑप्शन नंबर वन,
नजीना जी, कंकरियां ऑप्शन नंबर टू, गिरबान ऑप्शन नंबर थ्री, मोनू भाई जी मोनू भाई, एंड हरफे रास। मेरे ख्याल अब्बास सत्तर साहब बहुत ही कमाल लिखा। अरे वाह, ताली होनी चाहिए। अच्छा सर, किस दौर को आप खुशहाल तरीन दौर कहेंगे पाकिस्तान का? चार आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अयूब दौर को, ज़िया दौर को, मुशरफ दौर को, या उस दौर को जो अभी आना बाकी है। मेरा ख्याल अयूब दौर में हम बहुत बेहतर थे। अच्छा, बहुत बेहतर। अच्छा सर, इनमें से किस सियासतदान को सही मौका मिलता या मिले तो वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है या हालात चेंज कर सकता था? ऑप्शन नंबर वन, जुल्फकार अली भुट्टो साहब। ऑप्शन नंबर टू, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ऑप्शन नंबर थ्री, इमरान खान साहब। एंड ऑप्शन नंबर फोर, मौलाना फजल रहमान साहब। ये तो खैर कर ही जान देने नाल नाल हाल। इसमें ख्वाब वाला अरेंजमेंट नहीं है जो ख्वाब देख रहे वाला। नहीं सर, किसी एक का देखें। एक हमने ना लीडरशिप के ऊपर हमने इक्तफा कर दिया हुआ, मुल्क टीम चलाती है। लेकिन सर एक इल्जाम आप पे भी है, और बड़ा शदीद इल्जाम है, कि जो अफसर शाही है, ये जो बाबू लोग हैं, असल तो हुकूमत आप लोग करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। 90% खराबी की जड़ ब्यूरोक्रेट। यानी कि आप अपने पेटी भाई को कह रहे हैं, सियासतदान मर जाता है उसको फाइल पढ़नी नहीं आती। जर्नैल को 5 से 7 साल लगते हैं काम समझने में। ये हमारे भाई होते हैं जो बताते हैं करप्शन कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। और ये देखिए कि खुद अपने आप पे तनकीद कर रहे हैं, खुद अपनी कमजोरियों को मान रहे हैं, बड़ी बात है। अच्छा सर, थकन मिटाने के लिए फारिग औकात में किसको सुनते हैं? मेहदी हसन साहब को। ऑप्शन नंबर टू, नुसरत फतेह अली खान साहब को। ऑप्शन नंबर थ्री, आपदा परवीन साहिबा को। या ऑप्शन नंबर फोर, जाती बेगम साहिबा को। देखिए पहली बात यह है कि मैं चारों को सुन सकता हूँ, बैकपक चारों मेरे लिए थकन उतारने का बायस बन सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई एक मुस्तफा फतेली और आपदा प्रीत, तीनों नाम तो आपने कमाल लिए ना। हाँ जी, थकन उतारने के लिए बेगम भी थकन उतारने के लिए इनको बंद कर सकती है। सर आप झूठ नहीं बोलते जी, और हम चाहेंगे कि इन सवालों के लिए भी आप सच ही बोले, हाँ ना में जवाब देना। ठीक, पाकिस्तान में मीडिया आजाद है? नहीं। न्यूट्रल, सच में न्यूट्रल है? हो नहीं सकते। सर बिजली और तेल का बिल देख के नवाज शरीफ साहब का दिल वाकई खून के आंसू रोता है? अगर खून है सफेद नहीं हुआ। क्या बात, हम कोई गुलाम हैं? काफी अरसे से गुलाम है, कम से कम और कुछ ज़हनी तौर पे बहुत गुलाम। और अब जो ये नारा पॉपुलर हो गया उसके बाद सर, देखें ये बहुत बड़ी 10 अप्रैल के बाद मुझे इस मुल्क कौम से थोड़ी सी उम्मीद बनी है। अच्छा, इसलिए कि एक अब्रप्ट जो सूरत हाल बनी, मैंने कम से कम होश में इस तरह लोगों को दिल से निकलते हुए नहीं देखा और एक्सप्रेस करते हुए। डर खौफ, मैंने कहा ना, मैं पहली दफा पाकिस्तान के बारे में लोगों को सोचते हुए, परेशान होते हुए, रातों की नींदें हराम करते हुए, रोते हुए देखा। चले सर अगला, मौलाना फजल रहमान जमहूरियत का हुस्न है? हर चीज के अपना एक हुस्न होता। आपने बोला हुसैन, मैंने बोला यार ये हुसैन वाले को मैंने क्यों नहीं देखा। मेरा जवाब नहीं, क्वेश्चन है, क्या मौलाना फजल रहमान जमहूरियत का हुसैन है? से यस और नो। वो कैसे दिखते हैं ये थोड़ा बहुत बता दो। येलो कलर की पगड़ी पहनी होती है, पीडीएम जो है डीजल। ये मुझे मरवाएंगे और किसी को मरवाएंगे। हेलो, यानी मतीरा जी नू ए नहीं पता कि वो कौन है ते डीजल दा पता है, जिवे साडी आवाम नू पेट्रोल दा रेट दा पता है। अरे यार बताओ, यही बोलते हैं ना मौलाना, हमारे मौलाना फजल रहमान और तुम्हारे वो जो तुमने कहा, क्या वो जमहूरियत का हुसन है? Yes or no? ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ है उनके? जमहूरियत के अंदर भी हुसैन ढूंढना पड़ेगा। सर बताए हैं कि नहीं? अपने जो उनको हसीन समझते उनके लिए, शायद मेरे लिए ना हो। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चला जी, बहुत ही ताली होनी चाहिए सर के लिए।